बारिश के दिन रिच वर्सेस पूर। एक गांव में चंदन और मुकेश नाम के दो लोग अड़ोस पड़ोस में रहते थे। चंदन बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत बड़ा बंगले में रहता था। मुकेश कूली का काम करता था। चंदन के घर के बगल में ही एक झोंपड़ी में रहता था। एक बार उस गांव में बड़ा बारिश शुरू हुआ, तब चंदन की बीवी रितु, ओ जी आपने सुना, अब 4-5 दिन बिना रुके बारिश होगा कह रहे हैं। घर के लिए किराना जो जो चाहिए खरीद कर लाते हैं, चलिए। तब रितु और चंदन ने छतरी पकड़े और उनके दोनों बच्चे ने रेनकोट पहने, फिर चारों मिलकर कार में बाजार गए। और फिर 4 महीने के लिए जो चाहिए वो सब किराना खरीदे। क्या है जी, 4 दिन के लिए किराना कहा था, 4 महीने के लिए किराना खरीदा। मेरे साथ सब ऐसा ही होगा, पहला ही खरीद कर रख लिया तो क्या नुकसान होगा। एक तरफ मुकेश की बीवी रूपा, सुनिए जी बारिश बहुत जोर से हो रहा है, आप और हमारा बेटा बाजार जाकर एक हफ्ते के लिए किराना खरीद कर आइए। तब रूपा और उसकी बेटी मिलकर झोंपड़ी में जहाँ जहाँ पानी गिर रहा था उसके नीचे बर्तन और बकेट रखने लगे। मुकेश ने उसके सर पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और उसके बेटे के सर पर एक प्लास्टिक कवर लगाया। दोनों मिलकर बारिश में भीगते हुए बाजार जाकर एक हफ्ते के लिए किराना खरीद कर लाए। उस दिन पूरा बारिश हो रहा था। शाम को अंधेरा होते समय एक साधु केसर रंग के कपड़े पहनकर उस बारिश में भीगते हुए चंदन के घर आया। कोई है कहकर जोर से चिल्लाया। तब चंदन बाहर आया। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ, पड़ोसी गांव में बाढ़ आने के वजह से वहाँ के लोगों के लिए रहने के लिए शिविर का इंतजाम करने वाले हैं, आप कोई मदद करोगे क्या। तब चंदन गुस्से में, तुम्हारे जैसे झूठे साधु के बारे में मुझे अच्छे से पता है, कोई भी घर अच्छा दिखा तो बस है आंखें लाल करके नजर लगाते हैं। मेरे पास ये सब मुफ्त में नहीं आया है, मेहनत करने के वजह से ही आया है। गधे जैसे हो मेहनत करके कमाने के वजह, तुम्हारे ये घटिया सोच है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मर्यादा से यहाँ से निकलो, जाओ जाओ। मैं और एक बार पूछ रहा हूँ, अच्छे से सोचकर बताइए, आप क्या मुझे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। क्या रे सोचने के लिए, अब और एक मिनट इधर खड़े हुआ तो मैं क्या करूँगा मुझे ही पता नहीं है। तब वो साधु वहाँ से मुकेश के घर गया। फिर मुकेश ने उनको देखते ही, अरे स्वामी जी इतनी आधी रात को इतना बारिश में भीगते हुए आए हैं, पहले इस टवल से अपने सर पोछिए, कहकर उसको एक टवल दिया। स्वामी खाना बना रही हूँ, थोड़ा 10 मिनट रुकिए, खाना परोसती हूँ। तब रूपा ने अपनी पति और बच्चों के साथ साथ उस साधु को भी खाना खिलाई। खाना होने के बाद साधु ने मुकेश से जैसे चंदन को कहा वैसे कहा, अगर हमारे बस में जितना है उससे किसी का मदद करते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है स्वामी, हमारे पास जो भी है इस झोंपड़े में है, देखिए अगर कुछ भी आपको काम आएगा तो लेके जाइए। तब साधु ने ये चाहिए वो चाहिए कहकर घर में जो भी है, चादर कपड़े लाए हुए किराना रसोई का सामान सब ले लिया, फिर वहां से चला गया। साधु जाने के बाद बारिश और बढ़ गया, गांव में पानी आना शुरू हुआ। उस गांव के बाजू वाला नदी भर के गांव में पूरा बाढ़ आ गया। चंदन के घर के सामान कार पैसे पूरा बाढ़ में बह गए। फिर जान बचाने के लिए सब लोग छतरी और रेनकोट लगाकर घर के ऊपर छत में चढ़ गए। गांव के सब लोग छत के ऊपर चढ़कर बैठ गए। थोड़े देर के बाद पुलिस नाव में आकर घर के ऊपर बैठे हुए लोगों को बचाकर पड़ोसी के गांव में बाढ़ पीड़ित शिविर में पहुंचाए। वहां पर चंदन और मुकेश को पिछले दिन उनके घर में जो आए थे वो साधु दिखाई दिए। मैंने जो कहा था वो बाढ़ पीड़ित लोग आप ही हो, कहकर मुकेश से, बेटा तुम्हारे घर से जो भी चीजें लिया था वो पूरे है कि नहीं देख लो। तब मुकेश ने साधु को मदद करने के लिए जो भी सामान दिया था वो पूरा उसको वापस मिल गया, लेकिन चंदन को तो उनकी अहंकार के वजह से सब कुछ खो गया।